गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड द प्रहान राव। और ये आज हमारा व्लॉग थर्ड है। तो गाइस 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 इतना जो सुंदर सा टेंपल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी ये टेंपल कहाँ का है। उससे पहले तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। मैं वेट कर रही हूँ जल्दी, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हो ना उसको लाइक करते हो। जल्दी जल्दी पहले करिए, मैं वेट कर रही हूँ। मंदिर कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे रहेगा। कर दिया? नहीं किया, चलिए जल्दी जल्दी करिए। तो ठीक है, चलो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सुंदर से जो मंदिर है ये है कहाँ के। ये सुंदर से मंदिर छतरपुर के हैं, साउथ दिल्ली के। ये देखिए हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है गाइस, ये मेट्रो से भी दिखाई देती है। और इतने अमेजिंग, इतने सुंदर, इतनी जबरदस्त कारीगरी है ना इन मंदिरों की, एकदम मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। तो उसी एरिया में बहुत सारे मंदिर भी है और मेडिटेशन सेंटर भी है नागपाल जी का, और इनका खुद का हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है और धर्मशाला भी है। तो बहुत ईजी है छतरपुर में, जब मेन इसमें एंटर करते हैं ना रोड पे, तो रोड पे ये सारे के सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े एरियाज में है गाइस। और ये हनुमान जी की तो मूर्ति बहुत बड़ी है एंटर करते ही यहाँ पे। और ये एंट्री गेट है, ये वाला देखिए, एंट्री गेट भी बहुत सुंदर बना रखा है नागपाल जी का मंदिर का। और ये यहाँ पे गाइस क्योंकि कल संडे था इसलिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और दूसरी बात ये थी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था दिल्ली का, क्योंकि बहुत गर्मी, भयंकर वाली गर्मी पड़ी हुई थी, उसकी वजह से बारिश ने बहुत ज्यादा राहत दी थी। तो कल मौसम बहुत अच्छा था, सुहावना सा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और क्योंकि कल संडे था तो उसके बाद मैं और प्रहान ये मंदिर देखने के लिए चले गए, क्योंकि और वैसे भी ये मंदिर हमारे घर से तकरीबन 5-6 मिनट का रास्ता है ऑटो से। हमने और हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गए गाइस, बिलीव नहीं करोगे, हमने ये टेम्पल देखे नहीं है। छतरपुर से आना जाना होता है, हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं बट अंदर कभी एंट्री नहीं की। तो आज क्योंकि संडे ऐसे ऐसे इसलिए घूमने चले गए, मौसम भी ठंडा था इसलिए। तो प्रहान देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, इसको मजे आए थे इस मंदिर को देख के ना, ये वाला वाव मंदिर, मतलब ये मंदिर तो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे है, ऐसा लगता है जैसे हम साउथ के मंदिर में आ गए गाइस। क्योंकि हमारा जिस साउथ से ट्रांसफर हुआ है तो हम लोगों ने वो साउथ में जो मंदिर है गाइस, इतने गजब के मंदिर होते हैं, रामेश्वर का टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का, और त्रिचंदूर के टेम्पल हैं और चेन्नई में भी है। तो वो उनका तो कोई मतलब यहाँ पे खड़ा हो जाओ, कोई मतलब ऐसा वो है ही नहीं, उनके साथ तो कोई कंपेयर ही नहीं है, वो तो बहुत अमेजिंग मंदिर है। और ये गाइस ये यहाँ पे मंदिर में एंटर करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें थी। ये देखे बड़ा सा एलिफेंट का स्टैचू, दो स्टैचू थे मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो स्टैचू थे बड़े से एलिफेंट के। तो ये प्रहान बोला इनके मैं ये एलिफेंट के पास फोटो खिंचवाऊंगा। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। और वहीं पे ये मेन मंदिर है नागपाल जी का, बहुत सुंदर कारीगरी हो रखी थी। और गार्डन तो इतना अच्छा था गाइस, मैं बता नहीं सकती, बहुत पूरा ग्रीनरी, बहुत अच्छा लुक वाइज, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा गार्डन था। और क्योंकि लोग आए हुए थे, मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, अपनी वीडियोस बना रहे थे और फोटोज क्लिक कर रहे थे जैसे कि हम लोग कर रहे थे। तो गाइस ये देखो सुंदर सा गार्डन है, पूरा ग्रीन है। और ये यहाँ पे ना ये उस साइड एंट्री नहीं थी, उस साइड बंद पड़ा था, यहाँ पे लोग बस अपने शूज व्यूज उतार रहे थे। और ये अंदर इस साइड हम लोग गए नहीं गाइस, ये यहाँ पे आते ही ना हैंड वॉश करने का है पानी वाले से, ये मंदिर की एंट्री है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कलर भी बहुत सुंदर है गाइस। और ये जो मंदिर है इसके बैकयार्ड में ही इतना सुंदर सा गार्डन है, ये दूसरी साइड में एलिफेंट की जो स्टैचू है वो है। तो ये सीढ़ियां हैं ऊपर मंदिर में जाने के लिए।
तो डबल स्टोरी मंदिर है, नीचे का फ्लोर है और एक ऊपर वाला फ्लोर है, तो हम ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं पहले। तो ये प्रहान को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है कि वो हमें ग्रीन ग्रीन एरिया ये अंदर आ गया हम लोग एंट्री। यहाँ पे एंट्री करते ही ना बहुत सारे भगवानों की मूर्ति, ये देखिए शिव जी का शिवलिंग है और शेषनाग जी की मूर्ति है बीच में ही कॉमन हॉल में, बड़ा सा हॉल है और डोम शेप का है, और हॉल ये डोम शेप के ऊपर भी बहुत सुंदर कारीगरी कर रखी है, और ये मिड में ये शेषनाग जी है और ये शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं, और साइड में जो है ना वो अलग अलग देवियों की मूर्तियां हैं, जैसे दुर्गा जी की है, काली माता की है, जो नवरात्र में जो नव देवी होती है ना उन सब की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई है। तो दो साइड में ये देखो बोले सारी माता के साथ फोटो खिंचवाऊंगा मैं अपनी, तो ये देखिए ये सारी की सारी माताओं की फोटो है। तो और ये देखिए ये जो है ना ये काले ये कलकत्ता की जो काली मंदिर का भैदेश्वर मंदिर है ना उनकी वो काली माता की मूर्ति है, तो ये वो वाली मूर्ति है जिसकी पूजा विवेकानंद जी किया करते थे। तो ये बहुत सुंदर से साड़ी पहना रखी थी, बहुत अच्छा से मुकुट था, बहुत अच्छे से गहने पहना रखे थे माताओं को, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये माताएं सारी की सारी। ऑफ कोर्स भगवान है तो वो तो है ही, ऑलरेडी सुंदर ही है। तो ये डोम शेप का ऊपर का जो है ना इसमें कारीगरी कर रखी थी, तो ये कारीगरी मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनमें भी वैसे भी बहुत अंदर में बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी कर रखी है। आप कभी अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, आप जरूर गए होंगे, लेकिन अगर आप साउथ दिल्ली में या दिल्ली में नहीं रहते तो अगर घूमना आ रहे हो दिल्ली तो गाइस प्लीज़ एक बार यहाँ पे छतरपुर में नागपाल जी के टेम्पल्स देखने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अमेजिंग लगेगा यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। मेरा तो ऐसा था मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, इतना सुंदर लग रहा था बहुत। तो ये देखिए ये प्रहान गोल 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 घूमे ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूछा ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो गाइज यहाँ पे ना कैमरे लगे हैं और इन लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिख रखी है कि यहाँ पे वीडियोस बनाना और फोटो क्लिक करना बिल्कुल मना है, लेकिन क्योंकि सारे लोग कर रहे थे इसलिए हम लोग ने कर लिया, लेकिन वो गलत चीज़ है। और ये देखिए बहुत सुंदर है ये नीचे आने के लिए, बहुत सुंदर ये गार्डन है गाइज, ये गार्डन की भी मैंने फोटो क्लिक वीडियोस बनाई है। ये देखिए ये मंदिर के जस्ट बैकयार्ड का जो गार्डन है ना वो ऐसा है, बहुत सुंदर है। मैं तो ये मानूंगी कि जिनके जो फ्लैट है ना जिनका फेस मंदिर की साइड पड़ता है फ्लैट का जिनकी बालकनी गाइज उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि इतना अच्छा सीन है ना, इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना, दिल्ली में कहाँ पे मिलती है इतनी अच्छी ग्रीनरी। तो ये वो ऊपर वाले फ्लोर में गए थे, फिर अब हम नीचे वाले फ्लोर में आ गए थे। यहाँ पे मैंने जस्ट स्टार्टिंग में जैसे फोटो खींच ही रही थी वीडियो बना ही रही थी तो वो जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने मना कर दिया था। तो बस गाइस मंदिर से निकलने के बाद क्योंकि मेरे को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये गन्ने का जूस, ये भैया वहाँ पे इनका स्टॉल लगा हुआ था तो मैंने इन भैया को बोल दिया भैया प्लीज़ गन्ने का जूस पिला दो, तो इन्होंने गन्ने का जूस दिया 10 रुपये का गाइस, बहुत ठंडा था, बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था। गन्ने का जूस तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको गन्ने का जूस कैसा लगता है। भाई गर्मियों में तो गन्ने का जूस और वो भी पुदीना और नींबू डाल के और काला नमक डाल के अमेजिंग बर्फ डाल के मज़े आ जाते हैं, क्योंकि प्रहान की थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए प्रहान ने क्योंकि इसमें बर्फ भी डाल रखी थी तो और गन्ने का जूस प्रहान नहीं पीता, उसको अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या पागल सा लड़का है, उसको तो वो चॉकलेट शेक्स पसंद है ना और चॉकलेट वाली आइसक्रीम ये सब पसंद है, गन्ने का जूस नहीं पीता, और गन्ने का जूस गाइस बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो ये देखिए सुंदर सा ग्लास गन्ने का जूस का। तो
कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको चाहिए दो वाटर भरे हुए ग्लास वाटर से, और ये मैच बॉक्स चाहिए, और बेकिंग पाउडर चाहिए। तो गाइस अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले बेकिंग पाउडर से शुरू करता हूँ। खुल जा, इतना टाइट है गाइस। हाँ ये देखो, क्या वाइट है, बेकिंग सोडा जैसा ही दिखता है, ये बेकिंग पाउडर है, अलग है। देखो गाइस ये एकदम वैसे, आप ये, अब मैं आपको मैचस्टिक जला के दिखाऊंगा। तो हम जलाते हैं मैचस्टिक, अब नॉर्मल पानी में हमने जैसे ये डाला तो ये ना बुझे नहीं, चलती है। अब ये हमारे बेकिंग पाउडर के, तो ये जल्दी बुझ गए, पता है क्यों? क्यों? ऑक्सीजन की वजह से। अब ये जो नॉर्मल पानी है इसमें ऑक्सीजन है, और ये जो बेकिंग सोडा वाला बेकिंग पाउडर वाला पानी है इसमें ना ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें नॉर्मल पानी होता है। ये किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसके अंदर तो ऑक्सीजन है इसलिए वो, इसके अंदर ऑक्सीजन है इसलिए वो जल गई थी। अब इसके पास जैसे ही किया हमने ये बुझ गई, इसलिए। इसमें गैस है, कौन सी गैस है? CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जैसे क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती किसी है, किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें, मतलब हम यहाँ पे जी रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है पेड़ों से। तो अगर ये धीरे धीरे पेड़ कटते गए तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। और जैसे कि आप चांद पे जाओगे, अगर चांद पे भी ऑक्सीजन नहीं मिलता हम, तो फिर ना वहां पे अगर आप मैचस्टिक जलाने की कोशिश करोगे या फिर आग जलाओगे ना, तो मैचस्टिक तो जलेगी नहीं, क्योंकि वो आप या फिर आप उसे छोड़ दोगे, वो हवा में ही उड़ने लगेगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो गाइस यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था साइंटिफिक, तो आप इसे घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी तिल्लियां भी खराब हो गई यार, कितनी जला कर आ, और बाकी और है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप बेकिंग पाउडर ही लो, आप इनो भी ले सकते हो। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आएगी पीछे से। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टाटा, सी यू, दोबारा मिलेंगे।